गरीबों का कम से कम बार बार जो नुकसान होता है, उनका व्यवसाय टूटता है, उनके पैसे धन का दुरुपयोग होता है, उसका हो जाएगा। अतिक्रमण के नाम पे बार बार लोगों का घर का जो सामने का हिस्सा है तोड़ देंगे, लोहे की सीढ़ियां वो सब बना के रखा है वो उठा ले जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जल जमाव का है, जो चौराहे पे ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास के नीचे जल जमाव होता है। आप 2 महीने बरसात में गाड़ी लेके नहीं चल सकते, कमर के बराबर वहाँ पानी भरा रहता है। उसको काम हुआ है लेकिन उसमें लूट हुई है, सड़कें बनी हैं लेकिन वो 6 महीने बाद टूट जाती हैं। क्या जनता मूड में है या आप सबक सिखाने के मूड में? जनता पहले से अच्छी उड़ देगी, सब हम लोगों की तरफ हैं। जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो उससे बेहतर काम करके दिखलाएंगे। सीमा विस्तार काफी हुआ मेरा, उसमें अपने रहते हुए मैंने तमाम लाइट वगैरह सब व्यवस्था किया है और आगे करते रहेंगे। सपा हमने छोड़ा उनके व्यवहार से, 2006 से मैं 20 साल 25 साल थे उसमें हमने काम किया और प्रबल दावेदार था टिकट का। ये किसी वैश्य समाज को टिकट नहीं दिए और उससे पार्टी की उसके नाते हमने छोड़ दिया। हम लोग की पूरी तैयारी है, निकाय चुनाव में कोई जो है हम लोग के मुकाबले नहीं है। नेहा वर्मा भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मुद्दे हम लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं साफ हो रही हैं, सीवर लाइन नहीं है, और इसके साथ साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, देश में भी सरकार, उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नगर पालिका का विकास नहीं हुआ और सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी सरकार है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, लाइन ऑर्डर से लेकर के हर मुद्दे पे सरकार फेल है। तो जनता अब इस भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है, इनके लोगों को भगाना चाहती है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जब से नेहा वर्मा के नाम का ऐलान हुआ है, पूरा कोई लड़ाई में रह ही नहीं गया। चारों तरफ किसी भी चौराहे पे जाइए, किसी नुक्कड़ पे जाइए, किसी गली में जाइए, आम जनमानस इनका चुनाव, नेहा वर्मा का चुनाव नहीं रह गया। जनता निकाय चुनाव हो रहा है, आपके नेतृत्व में चुनाव हो तो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे होंगे? जनता के बीच जाएंगे, पिछले आप याद करें 5 वर्ष पीछे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तब पूरा बस्ती का अमन चैन, पूरा सफाई, सीवर लाइन, सारा बिजली पानी सब व्यवस्था हो जाएगी। 5 साल बीत गए, देखा आपने कोई व्यवस्था? किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए 5 वर्षों में। आज कूड़ा है, चाहे जिस तरह से भी देखिए आप, पूरे शहर को गलियां देखिए शहर की, आप कहीं से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की नेता नेहा वर्मा जी उम्मीदवार के रूप में आई हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, इनको सफलता मिलेगी और चौमुखी विकास इस शहर का किया जाएगा। नगर पंचायत प्रभारी बनाया गया तो बस्ती में कितनी सीटों का आप दावा करते हैं जीतने का? यह बस्ती में 10 सीटें हैं, एक सीट रुका हुआ है, 11 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे? साफ सफाई, महिला सुरक्षा, जो सीवर लाइन्स नहीं है, 5 सालों में जो सरकार ने काम नहीं किया है उसको लेकर हम सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और काम करेंगे।